कि आज राज्य समन्वय समिति की बैठक माननीय गुरु जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में समन्वय समिति के गुरुजी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। कई बिंदुओं पर उस पर चर्चा की गई, मैं विस्तार से उन बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को मजबूती के साथ सरकार लागू करे और जहां भी त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर करते हुए जो राज्य के लोगों की मन भावना है उस भावना को पूरा करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने सरकार को परामर्श दिया है। क्षेत्रों में और परियोजनाओं में 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से और परामर्श भी हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया है। चूंकि इस राज्य में जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको उनका नियोजन हो और सरकार से जो उम्मीदें उनकी है वो पूरा हो, इसलिए इस विषय को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और सरकार से अनुरोध भी हम लोगों ने किया है। सरकार के द्वारा बनाई गई थी और उस नीति को जब लागू करने का प्रयास किया गया, लागू करने की दिशा में जब सरकार आगे बढ़ी तो झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाया गया और वो भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मामले को चुनौती दी गई और उस मामले को उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। सरकार ने जनभावना के अनुरूप ये निर्णय लिया था और सरकार चाहती है कि इस मामले को हम लागू करें, लोगों की जो उम्मीद है सरकार से उसको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से ये मामला हाईकोर्ट के द्वारा खारिज हो गया। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, समीक्षा करे और जनभावना के अनुरूप इस नियोजन नीति को लागू करने का काम करे। जो कैबिनेट से पास होकर के विधानसभा से भी पारित हुआ था और वो विषय भी राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था उनके अनुमोदन के लिए, लेकिन वहाँ से वो भी जो विषय था उसको भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस किया गया था, मॉब लिंचिंग का जो विषय था। तो इस तरह की जो बातें हैं निश्चित रूप से सरकार की भावना स्पष्ट होती है कि सरकार जनभावना के अनुरूप काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल महोदय के यहाँ से जनभावना के अनुरूप लिए गए निर्णय को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है और उस पर कोई ना कोई त्रुटि बता करके, दिखा करके राज्य सरकार को फिर वापस करने का काम किया जाता है। हम लोग सरकार से अनुरोध किए हैं कि जो भी त्रुटियां इन विधेयकों में है उसको दूर करते हुए पुनः सरकार उसको राज्यपाल महोदय के यहाँ अनुमोदन के लिए भेजे।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।